हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह के बजे हुए हैं 7:30 और अभी फिलहाल हम उठ चुके हैं और मेरे मम्मी बहन है वो सुबह का खाना बना रहे हैं। मेरा पापा अपने काम पर जा चुके हैं। तो अभी फिलहाल काफ़ी ठंड है क्योंकि कल रात से बारिश हो रखी है ना, और आज जाना भी हमेशा है था घर के लिए नया पंखा लेने के लिए। तो अभी फिलहाल सबसे पहले खाना खाते, अगर मौसम खुलेगा ना तो जाएंगे, नहीं तो घर रहकर अपना और काम करेंगे जो हम आपको अगले अपने अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी मेरा मेयर बहन जा रही है सबसे पहले से खरीदो, मैं अभी यहाँ पर हेयर सैलून की दुकान पर जाकर शेविंग करवाने के बाद फिर ना के मैं बाद में जाऊँगा। तो मेरे मम्मी को पहले वहाँ से थोड़ा बहुत सामान सामान लेना है, ये सामान ले लेंगे, फिर उसके बाद हमने पंखा लेना है, तो फिर हम साथ में जाएंगे दूसरी दुकान पर। तो पहले हम चलते हैं हेयर सैलून की दुकान पर जहाँ पर शेविंग करवानी है, फिर उसके बाद चलेंगे नहाने के बाद खरीदो। अभी दोस्तों मैं शेविंग करवा के आ गया हूँ, बस अब जल्दी से नहाते हैं और मौसम भी खराब हो गया बारिश। अभी हाँ, गांव से सब नहीं होता, बस इसकी थोड़ी वो रहती है, बस अब ये है कि बस जल्दी से नहाते हैं और फिर चलते हैं फिर दो। अभी मैं नहा चुका हूँ और बस नीचे चलते हैं और फिर जूते पहनने के बाद और फिर चलेंगे इस सफेद दो। मैं कभी भी फोन आया था तो वो तो पहुँच चुके हैं सफेद दो, तो वो अपन आए इतने सामान लेने में, फिर मैं यहाँ से सफेद जाऊँगा। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, जूते पहन लिए हैं, बस अब ताल लेते बाहर का गेट लाने के बाद फिर चलते हैं दो। और भाई बस तो ये लग रहा है बारिश ना जाए क्योंकि मौसम खराब हो गया ना, बारिश का मौसम हो गया। अभी दोस्तों हम अपने घर के लिए नया पंखा लेके आ गए हैं, अब बस शाम को मिस्त्री को बुलाएंगे, फिर अपना पंखा लगवाएंगे बाहर आंगन में लगाना। अपने अंदर कमरे में तो लगा हुआ पंखा, बाहर नहीं था। घर वाले भी घर के लिए कुछ सामान लाए हैं, बेड के लिए चादर लाए हैं और भी सामान। तो अब बस फिलहाल दोपहर का खाना खाते हैं, क्यों दोपहर का खाना नहीं खाया था ना, अब खाने का टाइम को ले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद अपना लोग को जारी रखें। तब तक आप हमारे साथ बनी रहिए। अभी भैया मैंने अपना दोपहर का खाना खा लिया है और अभी घर वाले कह रहे हैं चाय बनाने के लिए, अब मैं चाय बना रहा हूँ। बस चाय बनाने के बाद पीने के बाद फिर जाएंगे अपने पुराने घर की साइड, तो मैं सुबह भी गया था वहाँ पर। तो अभी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दादी ना यहाँ पे पड़ोस में आई हुई है, जब पड़ोस में दादा एक्सपायर हुए थे ना तो उसके कल सत्तर भी हैं, तो वहीं पर उसे काम है तो वो तो जाएंगे वहीं पर। तो बस पहले अपने चाय बना कर पीते हैं फिर चलेंगे वहाँ पर। अभी दोस्तों मैंने चाय पी ली थी और यहाँ काम स्टोर का पर्दा नहीं लाए थे पहले, अभी पर्दा लाए हैं, वो लोग लगा दिया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देख रहा हूँ मैंने यहाँ पे पहले इसका पर्दा नहीं लाए थे तो आज लाए हैं, बाज़ार गए थे तो इनसे मिलता जुलता लाए हैं। तो बस अपने छत पर चलते हैं, अभी बस छत पर आ गया हूँ, अब यहाँ पर बस थोड़ी देर कुर्सी पर बैठते हैं। नीचे ना बहुत गर्मी थी और ऊपर अभी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी नहीं है इतनी ज़्यादा। सभी तो गए थे ना, बस थोड़ी थकान ही हो गई थी क्योंकि यहाँ से गांव से कारखाना पैदल चलना पड़ा था, फिर आगे भी सभी तो भी थोड़ा पैदल ही चलना था आगे दुकान तक गए थे। अभी है ना दोस्तों नीचे चलते हैं, मौसम बहुत ख़राब हो गया है, बारिश आने वाली है बस थोड़ी देर में जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही खराब मौसम हो गया है जैसे आप आगे देख सकते हैं। आसमान में बहुत ही काले बादल छा चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और देखने से तो लगता है बहुत ही तेज बारिश आएगी। बस ऊपर का दरवाजा बंद करते हैं और यहाँ पर कुर्सी बाहर रखी हुई है, ये अंदर रखने के बाद अब बस नीचे चलते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना मौसम खराब हो गया था, लेकिन अब मौसम साफ हो गया है जैसे कि आपने आगे देखा था, अब थोड़ी बहुत धूप ही निकली हुई है लेकिन मौसम आप देख सकते हैं वो काले बादल है ना उस साइड जा चुके हैं, तो थोड़ी थोड़ी वैसे फुहार आ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, बस अब नीचे चलते हैं। अभी चलते दोस्तों अपने पुराने घर की साइड, हमारे यहाँ का काम हो गया है
और जाना तो मुझे पहले ही था, लेकिन घर वाले ने कुछ काम बताया था, यहाँ पर गेट के साइड में बाहर की साइड एक टुकड़ी लगी हुई थी तो उनकी सफाई करनी थी। जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं जो यहाँ पर साइड में टुकड़ी लगी हुई है ना, ये ऊपर तक सफाई की है इनकी, और ऊपर है यहाँ पर देख वीडियो बहन दिख रही है, वो फिलहाल वो लोग में नहीं आना चाहती। दोस्तों मैं पुराने घर से आ गया था ना, तो गाँव से अंकल आ गए थे पंखा लगाने के लिए, तो अभी हमने जो हमारे अंदर कमरे में पंखा लगा था ना वो हमने बाहर आंगन में लगाया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अंदर वाला कमरा हमने बाहर लगवाया है, और अंदर हमने जो आज हम दिन में पंखा खरीद के लाए थे ना वो लगवाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने अंदर लगवाया कमरे में। तो अभी फिलहाल अपना रात का खाना खाते हैं, उसके बाद अपने ब्लॉग की एडिटिंग करते हैं, तब तक आप माचक बने रहिए। दोस्तों हमने अपना रात का खाना खाने के बाद अपनी वीडियो की एडिटिंग कर ली थी, अब बस अपलोड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, और चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।